प्रियंका राज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका खास प्रोग्राम वायरल साथ। जैसा कि आप लोगों को बिल्कुल 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 मालूम ही है कि हम अपने वायरल सच के प्रोग्राम में आप लोगों को बताते हैं ऐसी खबर जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा खबरों में रहती है, सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहती है, लेकिन उस खबर के पीछे सच्चाई क्या है? क्या वो खबर को जिस ढंग से बताया जा रहा है वो सच है? क्या जिस अंदाज के साथ उस खबर को पेश किया गया है वो 100% सही है? बिल्कुल, हम ऐसी कई ऐसी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आ देते हैं जो कि आप जिन खबरों के पीछे की सच्चाई कुछ और होती है, लेकिन उसे अलग ढंग से अलग तरीके से सोशल मीडिया पर पेश किया जाता है। उसी में से हाल ही में इस खबर के घेरे में आए हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार यानी कि हमारे पवन सिंह। आपको बता दें हाल ही में कुछ समय पहले पवन सिंह का एक पुराना, बहुत समय पुराना फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिस फोटो को लेकर कहा जा रहा था कि वो जिस फोटो में पवन सिंह और राजनीति क्षेत्र के, जी हां राजनीति जगत के सपा पार्टी के एक खास नेता, जी हां अखिलेश यादव नजर आ रहे थे इन दोनों की एक साथ। जैसे ही तस्वीर सोशल मीडिया पे आई वैसे ही खबर ऐसी फैलने लगी कि अब सपा पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं हमारे पवन सिंह। लेकिन अब देखा जाए तो पवन सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं और अब खबरें ऐसी होने लगी है कि अब वो भाजपा को छोड़कर यानी एक बार फिर से वो सपा पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में पवन सिंह राजनीति दल को अब बदल रहे हैं, क्या वाकई में वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, या फिर ये खबरें सिर्फ और सिर्फ वायरल हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इन खबरों को फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन सच्चाई दरअसल में क्या होती है, क्या सही है क्या गलत, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि पवन सिंह अब बीजेपी को छोड़कर वो अब सपा पार्टी में शामिल होंगे। जी हाँ, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार खबर ये इसलिए वायरल हो रही है, ये आपको जानकारी दे दे, दरअसल में हाल ही में हमारे भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ, जी हाँ सपा पार्टी के एक काफी नामी जामी चेहरा यानी कि अखिलेश यादव के साथ पवन की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जिसके बाद खबरें सोशल मीडिया पे फैलने में ये देर नहीं लगी कि पवन सिंह भाजपा पार्टी को छोड़कर अब सपा में शामिल होंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पवन सिंह अखिलेश यादव से मिले हैं, ये खबर बिल्कुल सही है, लेकिन जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है दरअसल में ये तस्वीर काफी समय पुरानी है। जी हाँ, ये तस्वीर उस समय की है जिस समय पर हमारे स्टार यानी पवन सिंह किसी भी राजनीति दल में एक ऑफिशियल तौर पर वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि पिछले साल ही हमारे स्टार पवन सिंह ने ऑफिशियल तौर पर ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो अब भाजपा सरकार यानी बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता हैं और अपने मन से अपने धन से कोशिश करेंगे कि वो अपनी पार्टी का पूरा पूरा सपोर्ट करें, और इसी वजह से वो देखा जाए तो हमारे पवन सिंह को लेकर अभी भाजपा पार्टी में वो शामिल हैं, ये खबर हर किसी को पता है। लेकिन अचानक से ये सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने की वजह से ये खबरें सोशल मीडिया पर जम के दिखाई जा रही हैं, लेकिन सच्चाई दोस्तों हमने आपको बता दी है। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी देते हैं कि हाल ही में, जी हाँ 16 अगस्त को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए हमारे पवन सिंह ने एक कार्यकर्ता के साथ साथ एक स्टार और एक खास करके एक व्यक्ति होने के नाते उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी। लेकिन दोस्तों जहां पर अभी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पवन सिंह सपा में शामिल होंगे, ये खबर पूरी तरीके से गलत है। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी आज की वायरल सच में वो खबर जो कि आपके स्टार पवन सिंह के साथ जुड़ी थी, और इस खबर के पीछे की क्या सच्चाई थी, किस तरीके से इसे पेश किया गया था और इसके पीछे की वजह क्या थी, ये हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए आप लोगों को बता दिया है। और उम्मीद नहीं बल्कि हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो कमेंट लाइक शेयर कीजिए और हमें लिखकर जरूर बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज भोजप्रिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो आप लोगों तक पहुंचता रहे और आपसे कोई भी खबर मिस ना हो, क्योंकि ऐसा हम नहीं चाहते दोस्तों। और ऐसे ही
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को ऐसा ढेर सारा प्यार देते रहिए। बाकी मैं प्रियंका राज एक बार फिर से आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाजत, लेकिन कल आप लोगों के बीच कुछ नई खबर, उसकी पूरी जानकारी आप लोगों के बीच लेकर हाजिर होंगी, ये मेरा वादा है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।